हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है राहुल। आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार में। और आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 8 प्रो के बारे में। इसका जो ऑफिशियल इवेंट है वो आपको 4 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। इस इवेंट के अंदर आपको तीन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने को देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको गूगल पिक्सल 8 प्रो और आपको गूगल की एक वॉच देखने को मिलेगी जो कि गूगल वॉच 2 होने वाली है। इन सभी के बारे में भी बात करेंगे, पर आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 8 प्रो के बारे में। तो आपको 4 अक्टूबर को तो देखने को मिल ही जाएगा, पर उससे पहले कुछ इसकी लीक्स जो है वो सामने निकल के आई। उन्हीं सब लीक्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। कितनी तारीख को लॉन्च, कितने प्राइस रेंज पे लॉन्च होने वाला है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अगर डिज़ाइन की बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी आपको पीछे की तरफ एक पट्टी देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगी वहीं पर। नीचे की बीच में आपको गूगल का लोगो देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ आपको बेजललेस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि एमोलेड होने वाली है। इसके अंदर आपको रिफ्रेशिंग रेट इस बार इंक्रीज करके दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो प्रोटेक्स गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के लिए है वो बेजललेस और पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। वही अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिससे आपके कंटेंट वॉचिंग है और जो गेमिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। और इसके अंदर आपको प्रोसेस देखने को मिलता है जो कि गूगल टेंसर G3 होने वाला है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस है। और इसके अंदर आपको 12 GB की रैम देखने को मिलने वाली है और ये Android 14 वर्जन पर सपोर्टेबल होने वाला है। वहीं पर कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी कैमरा जो है आपको 15 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरे के साथ देखने को मिलने वाला है और सेकेंडरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है। अप टू 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है जिससे आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और वहीं पर सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 10.8 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलने वाला है। इससे भी आप 4K और 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 4950 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपको फास्ट चार्जर के साथ आती है जिसके अंदर आपको 27 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और इसके अंदर USB Type-C, अब तो आईफोन के अंदर भी आपको USB Type-C का सपोर्टेबल देखने को मिलेगा। आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप आईफोन 15 की भी वीडियोज देख सकते हो। और इसके अंदर आपको USB Type-C का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसका ऑफिशियल इवेंट जो है वो 4 अक्टूबर को होने वाला है। उसके अंदर हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। इसकी प्राइस की बात करें तो अभी हम 12 GB करें तो आपको 70,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और आप आईफोन के बारे में भी एक्साइटेड है तो उसकी वीडियो भी जाके देख सकते हो और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो।